हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम यहाँ वास्तु करने के लिए आए हैं। सीवुड वेस्ट में है ये घर, जो है साउथ वेस्ट की दिशा में आता है। अगर हम 16 दिशा में देखेंगे तो वेस्ट की जाए ज़्यादा आता है। तो ये घर देखिए, पूरा हॉल है सर। ये दिखाइए, हम पूरा ये हॉल है। यहाँ पे हमने फर्नीचर का काम भी चालू है। वास्तु हम इसलिए यहाँ लगा रहे हैं, फर्नीचर के साथ अगर हम वास्तु पिरामिड से लगाते हैं तो उसमें क्या है कि घर जितना खुला रहेगा उतनी नेगेटिविटी वगैरह खींच लेगा। फिर घर में आराम से जो पेंटिंग वगैरह होने के बाद अगर क्लाइंट यहाँ पे रहता है तो उनके लिए काफ़ी फायदामंद होता है, काफ़ी जो रिजल्ट मिलता है। वास्तु पिरामिड हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि घर में जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए। मुंबई वगैरह में जो घर बनता है, मुंबई दिल्ली जो फ्लैट बनता है, वास्तु की सबसे ज़्यादा तो बन नहीं पाता है। बिल्डर कितना भी कोशिश करे कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। तो सारे चीज़ों को हम ये नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए, आज हम यहाँ पे एक किचन है, यहाँ पे इनका जो साउथ ईस्ट है ईस्ट दिशा आ रहा है। ईस्ट दिशा में हम किचन का यहाँ पर बता दिया था कि ये अगले दिशा पर रहे। ये पिरामिड से देखिए, हमने 5 पिरामिड यहाँ लगवा रहे हैं। 5 पिरामिड, एक तो हॉल में लगेगा, एक सेंटर धर्मस्थान में लगेगा, एक बेडरूम में लगेगा, एक प्लस आपका ये जो है ना चाइल्ड बेडरूम में लगेगा, और दूसरा जो है एक हम यहाँ पे बाथरूम में लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये आपका उत्तर दिशा में बाथरूम आता है। हमने ईशान दिशा में बाथरूम आ रहा था तो मैंने जो कॉम्बोडो को मैंने हटवा दिया, खाली पानी का स्थान रखा है। और एक नीला पट्टी भी हमने लगाने के लिए बोला है, वो भी काफी फायदामंद है। ये बेडरूम है, यहाँ पे अग्नि दिशा है। अग्नि दिशा में बेडरूम तो होता नहीं है, इसी के लिए हम यहाँ से एक अच्छा सा पिरामिड जो रिजल्ट देगा यहाँ पे हम लगा रहे हैं। जब भी अगर आपको वास्तु संबंधी कोई भी काम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो माँ काली वास्तु ज्योतिष पे आप संपर्क कर सकते हैं। माँ काली वास्तु ज्योतिष कई वास्तु कर रहा है, आने वाला टाइम में भी बहुत सारे काम करने वाला हूँ। और बहुत सारे आज का जो हमने गुरुवार और एकादशी और कार्तिक महीना है, शुभ दिन में हम आज इसलिए वास्तु किया है कि क्लाइंट को भी अच्छा फल मिल सके। तो इसके लिए जब भी आपको वास्तु संबंधी कोई भी काम है आप संपर्क करिए, कोई भी क्वेश्चन है वो भी संपर्क करिए। घड़ी कहाँ लगाना है, कलर कैसा होना चाहिए, और पैसे की जगह जो है तिजोरी का होना चाहिए, बच्चे का पढ़ाई का होना चाहिए। ईशान दिशा में मैंने बच्चे का रखा है पढ़ाई, ये देखिए ये ईशान दिशा, यहाँ पे ये तो अभी काम चालू करके लोग रखे हैं। ईशान दिशा में हमने बच्चे का रखा है। और उत्तर दिशा देखो इनका खुला है, उत्तर दिशा खुला होने के कारण काफ़ी रिजल्ट इनको मिल सकता है। भले गेट में थोड़ा परेशानी आ सकता है, बेडरूम में थोड़ा परेशानी, लेकिन उत्तर दिशा खुला होने के बाद इनको ज़्यादा फायदामंद होगा। जो वास्तु के हिसाब से हमने वो सब पिरामिड हम लगा रहे हैं। फिर हम आगे जाके क्लाइंट को बोलेंगे, जो किचन का जो काला पट्टी है, ये जो काला पत्थर है, अगर क्लाइंट को बता दिया है कि दूसरी कलर करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। जब भी अभी इस टाइप का पिरामिड लगा के आप अपना वास्तु दोष को निवारण कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।